वास्तु ज्ञान क्लब में आप सभी हमारे यूजर्स और सब्सक्राइबरों का स्वागत है। आपका अपना चैनल वास्तु ज्ञान क्लब आप सभी का इस्तकबाल करता है, स्वागत करता है। हमारा प्रयास, हमारे चैनल का प्रयास ये रहता है कि हम कुछ ऐसी चीजें आपके सामने लेकर के आए जो गुप्त हैं, कुछ क्लियर नहीं हो पाती हैं, छोटी छोटी बातें जो हमारी समझ के परे होती हैं और हम वास्तु के सिद्धांतों का पालन करने के साथ साथ भी उनका पालन नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही एक सब्जेक्ट है वास्तु में स्विमिंग पूल का निर्माण। आजकल ये देखने में आ रहा है कि लोग अपने भवन में छोटा सा स्विमिंग पूल अवश्य बना रहे हैं, कुछ लोग बंगलों में स्विमिंग पूल बना रहे हैं, कुछ बिल्डर्स भी जो हैं वो स्विमिंग पूल बना रहे हैं और भवन बड़ा होने की वजह से स्विमिंग पूल उसमें अच्छा भी लगता है। तो स्विमिंग पूल बनाने के कुछ विशेष नियम हैं जो आपके सामने प्रस्तुत है। स्विमिंग पूल मुख्य रूप से उत्तर जोन में, वायव्य जोन में या पश्चिम जोन में बनाना चाहिए, यानी उत्तर और पश्चिम की दिशा में बनाना चाहिए। उत्तर पश्चिम के बीच की भी एक दिशा होती है, उस दिशा पर भी अपन बना सकते हैं। और स्विमिंग पूल में जो चेंजिंग रूम हम बनाते हैं उसे दक्षिण और पश्चिम की दिशा की तरफ में हमें चेंजिंग पूल, चेंजिंग प्लेस बनाना चाहिए, चेंजिंग रूम बनाना चाहिए। और जब हम स्विमिंग पूल बनाते हैं तो उसमें जो सिटिंग एरिया है, बैठने का जो जगह होती है, उसे हमें मुख्य रूप से पश्चिम दिशा में, दक्षिण दिशा में या पूर्व दिशा में बनाना चाहिए। अच्छा, स्विमिंग पूल बनाते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्विमिंग पूल की जो गहराई है वो दक्षिण की तरफ कम और उत्तर पूर्व की तरफ ज्यादा हो। यानी जब हम स्विमिंग पूल की गहराई बनाते हैं तो हम थोड़ा सा उसको एक तरफ ऊंचा बनाते हैं जो बच्चों के लिए भी काम आए, तो वो जो ऊंचाई अपन बनाते हैं वो दक्षिण की तरफ बनाएं और ज्यादा गहरा जो हो वो उत्तर और पूर्व की तरफ हम उसकी गहराई रखें। ये वास्तु के सिद्धांत के हिसाब से आपको बहुत 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 फायदेमंद होगा अगर बनाते हैं। स्विमिंग पूल के डिजाइन पर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। तिकोना, कटा छटा, आड़ा टेढ़ा, इस तरह का स्विमिंग पूल नहीं बनाना चाहिए। वैसे भी वास्तु में वर्गाकार या आयताकार को ज्यादा महत्व दिया जाता है। त्रिकोण, अष्टकोणी या विभिन्न प्रकार के जो साइज होते हैं, आकार होते हैं, बनाने के लिए वास्तु के क्षेत्र में मना किया जाता है। फिर भी वास्तु कंसल्टेंट की सहायता से आप विभिन्न प्रकार के जो साइज हैं, आकार हैं, उस पर भी स्विमिंग पूल बना सकते हैं, मगर खास करके कटे हुए या तिरछे या त्रिकोणी तो बिल्कुल नहीं बनाने चाहिए। ये स्विमिंग पूल भवन स्वामी को नुकसान पहुंचाते हैं। स्विमिंग पूल में ज्यादातर जो रंग हम करें नीला, हरा या सफेद रखना चाहिए। स्विमिंग पूल के अंदर का भी जो कलर है वो मुख्य रूप से नीला, हरा या सफेद रखना चाहिए। और स्विमिंग पूल की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर स्विमिंग पूल की सफाई आप नहीं करेंगे, उसमें जर्म्स होंगे या जर्म्स नहीं भी होंगे, पानी अगर थोड़ा सा भी स्मेल करेगा तो वो भवन स्वामी को नुकसान पहुंचाएगी। उसकी जो स्मेल है, उसकी जो भाप है, वो हमारे जो भवन है उसको नुकसान पहुंचाएगी। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसकी ड्रेनेज व्यवस्था किस प्रकार की है। उसकी ड्रेनेज जो है, यानी स्विमिंग पूल को खाली करने की जो व्यवस्था है, वो उत्तर दिशा या पश्चिम दिशा की तरफ से होना चाहिए। अगर स्विमिंग पूल में आप लाइट लगा रहे हैं तो प्रॉपर लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, जो नीली, व्हाइट, हरे रंग की हो सकती है। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। वास्तु कंसल्टेंट से कंसल्टिंग करके इसमें लाइट सिस्टम को लगाना चाहिए, वरना ये नुकसान भी पहुंचा सकती है। जहां तक घर के स्विमिंग पूल की बात है, हम पारिवारिक रूप से अगर स्विमिंग पूल यूज करते हैं उस पर भी ये नियम लागू होते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने घर के स्विमिंग पूल को अत्यधिक साफ सफाई से रखें और उसमें लाइटिंग व्यवस्था, चेंजिंग रूम, इन सब चीजों का बड़ा ध्यान रखें। उनका गहराई किस तरफ हो, गहराई किस तरफ ना हो, दक्षिण की तरफ बच्चों के लिए स्थान बनाए यानी कम गहरा स्विमिंग पूल बनाए, उत्तर की तरफ बड़ों के लिए जो ज्यादा गहरे में तैर सकते हैं उन लोगों के लिए स्विमिंग पूल बनाना चाहिए। जब भी स्विमिंग पूल आप बनाते हैं, अगर व्यवसायिक क्षेत्र में अपना आपने अगर स्विमिंग पूल बनाया है तो सुरक्षा की पूरी व्यवस्था उसमें आपको रखनी चाहिए। जैसे लाइफ जैकेट हैं,
प्राथमिक चिकित्सा है, इसका ये व्यवस्था रखनी चाहिए। और लाइफ जैकेट और इसके लिए और प्राथमिक चिकित्सा के लिए अपने को पूर्व जोन या पश्चिम जोन या पूर्व की दिशा या पश्चिम की दिशा में इसके लिए व्यवस्था बनानी चाहिए। स्विमिंग पूल बनाने के लिए ये जो वास्तु के नियम है इनका पालन अत्यधिक जरूरी है। अगर इनके पालन के साथ अगर स्विमिंग पूल आप बनाते हैं तो ये हमें भवन के साथ धनात्मक ऊर्जा देने में सहायक सिद्ध होता है। स्विमिंग पूल अगर आपने गलत जगह बना लिया तो ये आपका व्यवसाय और आपके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। स्विमिंग पूल बनाने के लिए वास्तु कंसल्टेंट का सहायता लेना अत्यधिक जरूरी है। साथियों, इस एपिसोड में इतना ही। शायद आपको ये एपिसोड हमारा पसंद आएगा। आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।